इस वक्त हम यहाँ पे हैं, बिल्कुल मेरे पीछे पाकिस्तान है, जो सफेद घर जितने भी दिख रहे हैं आपको पाकिस्तान है। इस वक्त हम इंडिया के पोर्शन में, और भाई व्यू ये जहाँ पे हमें बहुत ब्यूटीफुल जगह, कभी वो पोर्शन भी हमारा हुआ करता था, लेकिन कोई बात नहीं, अखंड भारत बनेगा तब वापस ले लेंगे। इस लोकेशन पे हैं हम अभी, तो यहाँ उस्मान एवेन्यू, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, द हीरो ऑफ द नशेरा, ये कौन सा लिखा, जहान नगर, बैटल ऑफ 1948 इनॉग्रेट भाई। यहाँ पे ये लगा है हमारा बाबा खोड़ी का जो है उसका। मस्त मौला मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंडर, बुझते ही अंदर ही अंदर। जय बाबा खोड़ी पहुंच चुके हैं हम, और ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, बाइके वाइके यहाँ पे लग गई हैं। काफी ब्यूटीफुल जगह है यार ये, अच्छा रास्ता है, मतलब इस साइड में पहले कभी आया नहीं हूँ। अच्छा, वो ये वॉशरूम की ओर जा रहे हैं और ये आगे की ओर जा रहे हैं। ये देखो जी, हाँ जी, जब मुझे आए थे ना पाकिस्तान वाले, इनको बोलते कि आप मुझे हमारे साथ चलो पाकिस्तान चलो, ये नहीं किए थे। तो फिर इन्होंने टाइम दिया कि इतने के आप कहते हैं आ जाओ, नहीं तो मार देंगे, ये नहीं किए। वो फिर आए, उन्होंने इनकी उनकी बाइक को बच्चों को मुझे मार दिया। बाद में जी वाले थे ना हमारे, इसके अंदर समा गए थे, खोरी बने की तरह। अच्छा, यहाँ पे खोरी बाबा इसके अंदर समा गए, जहाँ पे खोरी बाबा समा गए थे, और ये यहाँ पे बाहर लिखा भी है कि शिवलिंग यहाँ पे निकला, ये खोरी बाबा इस जगह पे समा गए थे, ये जगह। और अब देखेंगे यहाँ पे शिवलिंग और भगवान शंकर की मूर्तियाँ लगी, यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे शिवलिंग निकला था। यहाँ पे जो भी इच्छा करते हैं पूरी होती है, बहुत मानी हुई है ये जगह, शिव मंदिर जो है यहाँ पे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये रहा जो ये शिव मंदिर है, और ये करोरी बाबा के बने हैं यहाँ पे समर्पण। जो करोरी बाबा, इनके बारे में जो भी था वो इस पर लिखा गया है कि किस तरीके से वॉर में जापान नौशहरा में एंटर हुई थी पाकिस्तान आर्मी, दो बार चांस दिया था। और इसमें बताया गया कि ये जो बाबा थे, ये भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, और इनके अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर्स थी, और यही इन्होंने रिफ्यूज़ किया था पाकिस्तान के साथ जाने में, और यहाँ पे समा गए थे। बहुत प्राचीन मंदिर है, वाले। ये जय खोरी बाबा से हम बाहर आ गए हैं, इनकी जो कहानी उस पर लिखी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। शिवलिंग यहाँ पे, शिवलिंग है यहाँ पे, खोरी बाबा की समाधि है, और कहते हैं कि यहाँ पे जो भी विश मांगो तो पूरी होती है। फिलहाल यहाँ पे लड़ाई लग गई है, ये बोल रहे हैं कि घर जाना है, ये बोल रहे नहीं जाना है। क्या डिसाइड हुआ सुशील अंकल, क्या डिसाइड हुआ? माता उधर, माता के उधर चलना, जहाँ जा रहे हैं पीछे। खूबसूरत जगह ना, ये आप अपने आंखों से देख सकते हो, काफी घना जंगल है, और ये जंगल इसी वजह से बचे क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादा इंसान, यहाँ बाहर के बाहर का आपको कोई भी राइडर आज तक यहाँ पे नहीं आया होगा, आई एम द फर्स्ट। और ये जो जितने बंदे आ रहे हैं मेरे साथ आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं फिलहाल, यहाँ से मेरे ख्याल से थोड़ा ही बचा, लगभग कितना ही बचा। देखिए अब यहाँ से कहाँ जाना है ये हमें नहीं पता, यहाँ पे फिर से दो मोड आ चुके हैं, किस तरफ जा रहा है किस तरफ जा रहा है। भाई अभी हमने डिसाइड कर दिया है, तो हम नीचे नहीं जा रहे हैं, ऊपर वाले रास्ते से जाना है। चिट्टू हमको पता कि कहाँ से जाना था, पहले तो इन्होंने जान बुझ के ना लॉन्ग रूट से लेके आए हैं। तो भाई अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, बगला माता मंदिर जा रहे हैं, क्या वीडियो बना रहे हैं बगला माता मंदिर जा रहे हैं यहाँ से, और पीछे की लोकेशन कुछ इस तरीके की है। ये रही पीछे की लोकेशन, यहाँ पे आप आ नहीं पाएंगे क्योंकि आर्मी सेंसिटिव एरिया काफी, तो मैं भी ज्यादा इधर उधर का व्लॉग नहीं करूंगा, इसलिए मैंने आपको मैसेज दिया। 5:30 हो चुका है भाई टाइम, और अभी हम मतलब डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे। इस वक्त हम यहाँ पे हैं, बिल्कुल मेरे पीछे पाकिस्तान है, जो सफेद घर जितने भी दिख रहे हैं आपको पाकिस्तान है। इस वक्त हम इंडिया के पोर्शन में, और भाई व्यू ये जहाँ पे हमें बहुत ब्यूटीफुल जगह, कभी वो पोर्शन भी हमारा हुआ करता था, लेकिन कोई बात नहीं, अखंड भारत बनेगा तब वापस ले लेंगे। और यहाँ पे ब्रिगेडियर उस्मान है, जो उनकी काफ़ी अच्छी स्टोरी है, उन्होंने मतलब जो जान दी है देश के लिए, वो आपको नीचे जगह वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। तब मिलते हैं आगे, जय हिंद। भाई फाइनली अभी हम मंगला माता का जो गेट है ना उससे अंदर एंटर हुए हैं, पीछे सचिन बचा, बाकी आगे चल रहे हैं। और ये जो मंदिर है, ये जो लोकेशन है, बिल्कुल बॉर्डर के पास में है। सचिन पीछे जंगल दिखेगा, मोर भी यार भाई, मोर दिख रहे थे, जंगली मुर्गे देखे अपने काफी, यहाँ पे इस एरिया में मैंने देखा कि काफी मोर है। मैंने अपने चैनल का नाम रखा था खाना बदोश, बिल्कुल मतलब अभी उसी रास्ते में खाना बदोशी चल रही है यहाँ पे। ये आ गया माता का मंदिर की जो एंट्री है, फाइनली हम पहुँच गए गाइस, और जो हमारी डेस्टिनेशन है वो आ गई है। ये सब बाइक्स लग गई हमारी, कहाँ पे
भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, बाइक वगैरह सब लग गई हैं यहाँ पे, अपने हेलमेट वगैरह रख रहे हैं। और ये जो एरिया बिल्कुल बॉर्डर के पास है पाकिस्तान के, मंगला माता मंदिर। और आयुष जैसे बता रहा था, मुझे नहीं पता मैं इस एरिया का नहीं हूँ, आयुष मुझे कह रहा था कि ऐसा है कुछ झूठी कहानियां सुनाता है। झूठी क्यों बोलूं, मैंने भी सुनी है, हमें भी बचपन में माँ बाप ने सुनाई है। ओके ओके, कहते हैं कि यहाँ पे शेर आता है ट्यूसडे को, माता का मंदिर है वहाँ पे। तो फिलहाल ये जो है ये दरवाजा है मंगला माता मंदिर का, बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है, ये लोकल्स ही आते होंगे यहाँ पे। बाकी गेट वहाँ पे लगा हुआ था, ये गेट ये वाला है। फिलहाल अंदर चलते हैं जय माता दी करते हुए। ये आ गया तरीके से, ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं हम लोग फिलहाल। वाह, यहाँ पे बेल बजने के लाइटें जल गई हैं, और फिलहाल अभी हम चल रहे हैं। एक बार यहाँ पे आया तो हमारे ऊपर से तो मोर उड़ते हुए इतने, यहाँ से आप आए हो पहले भी? मैं तीन चार बार आया हूँ। तो आपको रास्ता नहीं पता? इधर से थोड़े आए, इधर से यहाँ से वापस जाएंगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो शॉर्ट होगा ना वो। हाँ, यहाँ से नौशहरा 20 किलोमीटर दिखा रहा था ना। अच्छा अच्छा, 16 किलोमीटर वापस, 36 किलोमीटर निकल जाना। हाँ, यहाँ पे 22 राजपूत भी थे बेसिकली। RR यहाँ पे RR ही, लेकिन उनकी रेजिमेंट को बेल बजाई हमने और लाइटें वाइटें ऑन हो गई भाई यहाँ पे। अब देखते हैं ऊपर मंदिर। जय माता दी। प्रेजेंटेड बाय ऑल रैंक्स 22 राजपूत। जय माता दी। कौन सा? हाँ हाँ, सुमड़िया हो सुबड़िया भाई? हाँ, सांबा कटरा में होते हैं, सांबा में होते हैं। हाँ, सांबा में होते हैं सुमड़िए। ये अपनी राजपूत रेजिमेंट के वो लगे एरिया में, शायद ही मैं कभी आता। हम तो मतलब डोडा बदरवा के जो लोग हैं, तो ये मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट लोकेशन है, और शायद ही इसके अंदर। कहाँ पे चलना है? अरे यार, सुबह 5 बजे निकल जाएगा ना। कहाँ पे लेके आ गए, और हम मतलब वापस नहीं जा सकते, यहीं पे रहना तो पड़ेगा। यहीं पे बाकी मंदिर इधर से ऊपर है। मंदिर यहाँ से ऊपर है? मंदिर ऊपर है। मंगला माता मंदिर में इस वक्त यहाँ पे बहुत रश होता है, यहाँ पे कोई खड़े होने की जगह नहीं होती। बट देखो, आज हम जिस दिन आए हैं तो माता के इधर आराम से बैठ के दर्शन भी हो रहे हैं, सुकून से आए हुए हैं यहाँ पे। और मतलब आने का कुछ प्लान नहीं था, तो माता का ये बुलावा ही था जो हम आज यहाँ पे आए हैं। जय माता दी। ये माता का मंदिर, यहाँ पे बैठने की जगह भी नहीं होती है। जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी, माता टेको, माता माता टेको, माथा मारे माथा टेको। जय माता दी। ये यही है ना, यहाँ पे ज्योति जाती है। वापस राइड करके और बाइक्स वगैरह हमने नीचे लगा दी है। जा जा इधर, ये भांका है। अरे भांके, ये हमारे चिंटू मामू का लड़का भांका। और फाइनली अभी हम पहुंचे हैं, सब इधर उधर कुछ कर रहे हैं, अपनी हेलमेट वगैरह रख दी है। फिलहाल अंदर चलते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो भाई, सुबह 6 बजे निकले थे हम सेरी से, और इस वक्त इतनी बारिश हुई रास्ते में, काफी रास्ता खराब था। रेनकोट इन्होंने पहने थे, मेरे पास नहीं था, बट रेनकोट। अभी चाय पी रहे हैं, चुस्की मार रहे हैं। बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई के ब्लॉग को जितना शेयर करना है करो, शहरी वालों, अखनूर वालों, जम्मू वालों।